तो नमस्कार दोस्तों, आज ये भारत की दोस्तों गरीबी रेट तो पहले से गिरती जा रही थी दोस्त, आज फिर से गिर चुकी है। यहाँ पे कोरोना वायरस से दोस्त अमीर अमीर तो यहाँ पे गरीब गरीब ही परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान वो है दोस्तों जो डेली बेसिस पे अपने काम करके आज खाना खा रहे थे। दोस्त स्टूडेंट अपने एग्जाम्स को लेकर, गरीब अपने पेट को लेकर, देश अपनी इकोनॉमी को लेकर, डॉक्टर पेशेंट्स को लेकर, यानी कि दोस्तों सब जगह परेशानी चल रही है। यानी कि इस कंडीशन में अब ऐसा क्या किया जाए दोस्त, जो आज मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए। दोस्त बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि भारत के अंदर जब कोई मुहिम चलाया जाता है, या तो वो दोस्त मुहिम सक्सेस नहीं हो पाता, या तो बीच में रुक जाता है, या तो उस मुहिम में सपोर्ट करने वाले की कमी हो जाती है। यहाँ पे दोस्त अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो तो घर वाले रोक देंगे, समाज रोक देगा, या आपको सपोर्ट अच्छा खासा नहीं मिलेगा, मुद्दा दब कर रह जाएगा। दोस्त लिख के ले लो भाई, भारत और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। यहाँ पे सब अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई दान देके कर रहा है, कोई दोस्तों सर्विस देके कर रहा है, तो कोई देश की सेवा करके कर रहा है, तो जैसे जैसे कर रहे हैं दोस्त। मैं अपने आप में दोस्तों परेशान हो गया जब मैंने एक खबर पढ़ी। दोस्त कल मेरे व्हाट्सएप पे एक भाई ने एक मैसेज करा कि सर मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ। दोस्तों NDTV को खबर भेजी गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं दोस्त जानता हूँ कि बहुत सारी खबर होती है, लेकिन एक खबर भाई गरीबों का भी, दुनिया ध्यान नहीं देगी तो भाई गरीब तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा, कहाँ से कुछ हो पाया। क्लिप दिखाना चाहता हूँ फिर आगे बात कर। सर आप तो अच्छा काम करते ही हैं और करते हो, मेरे घर चला रही थी मैं, दिहाड़ी पर 2,500 रुपया बुझ के खिला रही थी, सब बच्चे को पाल रही थी, रूम का किराया दे करके बहुत मैं दुखी हूँ। अब यहाँ से क्या करूँगी, आप ऐसा मेरे करिए कि कुछ मेरा हेल्प कर दीजिए सर, मैं बहुत दुखी में हूँ। आपका न्यूज भी देखती हूँ मैं, अब इनका हमारा आँख लेकर के यार दुखी में हूँ। ये विकलांग हो गया, पूरा पाँव में रॉड लगा हुआ है, ये घर में रहते थे हम जाके 250 रुपया लाती थी, आँख तो बिल्कुल चला गया सर, दोनों आँख में, ये घड़ी में रहते हैं, घड़ी में रहते थे हम, कुछ के काम हम जाती थी 250 रुपया दिहाड़ी में लाती थी। तो वीडियो देखने वाले सब भाइयों को सलाम और नमस्ते, मैं अपना कमी वाला दिल की बात कह रहा हूँ, हेल्प की बात। जो जन जैसे मैंने सरकार से हेल्प मांगा कि डॉक्टर मेरा आँख खराब कर दिया, सर मुझे हेल्प कीजिए, आँख खराब कर दिया, देखिए मेरा आँख तो बिल्कुल खराब कर दिया, 6 साल हो गया, ये तो रिजेक्ट है, बनेगा नहीं, और ये आँख और इसमें भी लेंस लगा हुआ है, ये आँख ऑपरेशन वाला था, वो ऑपरेशन मुझके किसे करा तो थोड़ा बहुत दिखाई देता था, बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता, 5 महीना से नहीं दिखाई देता है, रूम में रहता, और 5 साल पहले से मैं लेटर लिख के केजरीवाल साहब के पास दिए थे, ये देखिए मेरा लेटर, इनके पास दफ्तर में सचिवालय में सगरो चक्कर लगाया हूँ सर कि मेरी हेल्प किया जाए, या तो डॉक्टर के खिलाफ केस कीजिए, मेरे पास तो औकात नहीं है, वकील से लड़ने का केस का औकात नहीं है, तो केजरीवाल साहब को बोले थे रिक्वेस्ट करके कि मेरे लिए लड़ दीजिए या हेल्प कीजिए आप, उनके पास पता नहीं उनको लेटर दिया गया या नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं आया, फिर मैंने कोई नहीं हेल्प किया, फिर सलमान खान जी को फिर लेटर भेजे, फिर प्रधानमंत्री को भी लेटर भेजे, देखिए मेरा लेटर लिखा हुआ। दोस्त अब ये समय आ चुका है जहाँ पे हम पूरे देश को एक होना है, हर इंसान को इंसानियत दिखाने का समय ये समय होता है। दोस्त देशभक्ति करना है तो यब करो ना भाई, है दोस्त मैंने आपसे क्या कहा स्टार्टिंग में, कहा था ना कि या कुछ मुद्दा बीच में रह जाएगा वो आगे नहीं जा पाएगा, और दोस्त हम हर मुद्दे को अगर सही से देखें तो दोस्त उस मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे। आज दोस्त मैं आपसे अगर मैं बोलूं कि इन प्लीज़ इन गरीबों को चंदा दो, कुछ दान करो, तो कुछ बंदे या तो दोस्तों मुझे बोल देंगे या बोलेंगे देख यार क्या अब ये कर ले, पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर दिया, भाई माफ़ करना मुझे कुछ अगर दोस्त, अब तक तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन क्या आपसे एक बात कहूँगा तो एक काम कर सकते हो, मेरा हाथ जोड़कर विनती करूँगा आप सभी से दोस्त, ना आप कैपेबल हो ना मैं कैपेबल हूँ, जहाँ तक हो सकता है दोस्त हमने किया, जहाँ तक हो सकता है आप भी कर सकते हो। इस शेयर बटन को दबाओ, इस वीडियो का लिंक लो, जहाँ तक व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दो, देखते हैं ये मुद्दा कैसे दबता है। दोस्त अगर ये प्रशासन के पास मुद्दा गया तो दोस्त इस फैमिली का जिसका अभी हमने दिखाया, इस फैमिली के साथ साथ भारत की वो तमाम फैमिली तक सरकार पहुंच पाए और उन सब की हेल्प हो पाए मेरे दोस्त। बाकी मेरा अपना कोई भी स्वार्थ वाला मामला नहीं है भाई, हाथ जोड़कर विनती करूंगा अगर आप मेरी इस काम का सपोर्ट करते हो। दोस्त इस चैनल को मैंने बनाया ही इसलिए भाई, मेरा मेन चैनल है, मैं दोस्तों चाहता तो उस चैनल पे मैं अपना सकता था, लेकिन नहीं भाई, आज मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया। मेरे दोस्तों कुछ मीडिया ऐसे न्यूज़ को कवर नहीं कर रही और ये लोग बेचारे ऐसे ही दब जाते हैं,
तो दोस्त हाथ जोड़ कर विनती करूँगा, हेल्प मांग रहा हूँ आप सभी से, पैसे नहीं मांग रहा। अगर दोस्त आप ये कर सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और इन गरीब के दोस्तों चेहरे पे हंसी होगी तो दोस्त भगवान का एक दुआ लगेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इतना ही आशा करता हूँ आप सबसे कि दोस्त अगर हमारा पूरा देश इस समय संकट में है तो इनके हम काम आए, इस वीडियो को शेयर करें, देश की सरकार तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।